आज के वीडियो में दोस्तों हम सर्दियों में पीली पड़ चुकी रेन लिली की रिपोर्टिंग करेंगे और बात करेंगे कि रेन लिली को कब, कैसे और किस तरह से लगाया जाता है। और दूसरा ये भी देखेंगे कि आप कैसे एक रेन लिली के बल्ब से कई सारे गमले बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये मेरा पॉट लास्ट ईयर का लगा हुआ है और अब लगभग अभी एक साल भी नहीं हुआ और ये पौधे ने गमले को पूरी तरह से जकड़ लिया है और इसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इसे मुझे थोड़ा सा पानी डाल करके ही इसे निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो मैंने रिपोर्टिंग से पहले जो गमला निकाला हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों ये भी उसी के जैसा पॉट था, ये मेरा वाइट रेन लिली है, मेरे पास रेड भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये लगभग मैंने नर्सरी से लास्ट ईयर 20 रुपये के दो से तीन बल्ब, तीन से चार बल्ब खरीदे थे और उन्हीं से ही आज इन्हें दो से ढाई साल हो चुका है। दोस्तों लगभग तीन चार बल्ब से आज मेरे पास 7 से 10 गमले हो चुके हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं आज। ये रेन लिली का मतलब है जो कि बरसाती मौसम में आपको फ्लावरिंग देगा। ये जो छोटे छोटे बल्ब देख रहे हैं लहसुन की तरह होते हैं, ये ही रेन लिली है। इसके ऊपर वाइट कलर का बहुत ही सुंदर बल्ब लगता है। ये आपको रेड में, वाइट में, येलो या फिर पिंक कलर, कई सारे कलरों में अवेलेबल होती है। दोस्तों जब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो रिपोर्टिंग से पहले आपको मिट्टी जो लेनी है वो लेनी है आपको गार्डन सॉइल, उसमें थोड़ा सा बोन मील वर्मी, या तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ गोबर की खाद। और अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सख्त है तो आप उसमें थोड़ी सी रेत की मात्रा मिला सकते हैं जिससे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। इसमें ऑलरेडी नीम के पत्ते मिले हुए थे जिससे कि मुझे इसमें नीम खली मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम इसमें थोड़े से नीचे पत्तियाँ ऐड करेंगे ताकि ड्रेनेज होल बंद ना हो। और फिर इस जो हमने मिक्सर तैयार किया हुआ है, पॉटिंग मिक्स तैयार किया हुआ है, उसको भरेंगे। और दोस्तों लगाने से पहले हम उसके ऊपर के जो बल्ब हैं, जो बल्ब के ऊपर जो हरी डंडियाँ थी, हम उन्हें काट लेंगे कैंची की सहायता से ताकि जब वो सर्दियाँ बरसात आने से पहले खिलें तो नई पत्तियों के साथ और हमें अच्छे फूल दे। हम इसकी जितने भी हम इसके बल्ब छोड़ देंगे और जितनी भी ऊपर इसकी हरी हरी डंडियाँ थी, पत्तियाँ थी, वो हम सब काट करके निकाल लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको कौन से महीने में इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इसकी रिपोर्टिंग आप फेब से मार्च के बीच में या अप्रैल तक भी आप इसको कर सकते हैं ताकि मई जून आते आते इसमें अच्छे फ्लावरिंग हो सके। अगर आपके वहाँ जल्दी बारिश आ जाती है तो इसकी रिपोर्टिंग करना थोड़ा जल्दी होगा। ये जो आप बल्ब देख रहे हैं ये लहसुन की कली की तरह होते हैं और अगर आप एक कली लगाएंगे तो उसके साथ लगभग वो पूरा जिस तरह से लहसुन का बंच हो जाता है उसी तरह ये हो जाएगा और जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको ये देगा। तो इसकी हर साल रिपोर्टिंग ये पॉट मांगता है। अगर आपके पास ये है तो मान लीजिए, अगर आपके पास ये एक है तो आप उसे 2 साल में ही लगभग 10 गमले बना सकते हैं। अगर दोस्तों एक और बात, अगर किसी के पास रेन लिली नहीं है और किसी को रेन लिली चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। मैं देखिए दोस्तों आपको पौधे के पैसे नहीं लूँगा, सिर्फ आपका जो चार्जेस लगेंगे वो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस होंगे। आप इन्हें मुझसे मंगा सकते हैं जिसको भी अगर ये चाहिए। देखिए मैंने एक पॉट निकाला था और अभी लगभग मेरी आधी भी ख़त्म नहीं हुई है और मेरा दूसरा पॉट तैयार होने जा रहा है। मैं अपने मोहल्ले में इसे बहुत सारे लोगों को मैं इसे बाँट चुका हूँ, दे चुका हूँ और लगभग अब ये सभी के पास है। तो दोस्तों अगर आपके लिए भी, आपको भी ये चाहिए तो आप भी मुझे DM कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने उस पॉट में लगाई थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे कम मेंटेनेंस का पौधा है ये। आप एक बार लगाइए आपको सालों साल फूल देगा, ना ख़राब होने का झंझट, ना कीड़ा लगने का झंझट, ना आपको इसमें एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर बरसात का पानी इसे मिलता रहे तो ये आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग के साथ फूल देता ही रहेगा। देखिए मैंने एक बल्ब था जिसके अंदर एक बल्ब में 10 बल्ब हो चुके थे, उन्हीं से ही मैंने लगभग एक पॉट के अंदर मैंने 10 से 12 बल्ब लगा दिए हैं। अब एक महीने बाद मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा तो ये बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। पानी मिला दिया है हमने। ये मेरा ब्लैक कलर का जो गमला है वो रेन लिली का है, वो भी रेड कलर का। आपको इसे लगभग 3 दिन के लिए शेड एरिया में छोड़ना होगा तो 3 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं। और अभी जब बरसात आएगा तो मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।